हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त नीर भाई। और आज की हम इस वीडियो में ज़्यादातर मैंने देखा है कि बिगिनर्स को म से प जल्दी शिफ्ट होने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी आता है। जैसे कि सा रे ग म पे रुकते हैं, ब्रीथ लेते हैं, फिर प ध नि सा ऐसे बजाते हैं, तो उसमें सा रे ग म प ध नि सा, तो वो गैप क्रिएट होता है, वो एकदम स्मूथनेस के साथ या फिर एक ही फ्लो में सा रे ग म प ध नि सा ये बजा नहीं पाते। तो वो आप म से प किस तरह से एक एफर्टलेसली और आराम से स्मूथनेस के साथ कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आज आपको कुछ दो स्टेप बताने वाला हूँ। उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी आसानी से म से प आराम से बजा सकते हो, ठीक है? तो विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। सो पहले तो आपको म से शिफ्ट होने के लिए पहली बात ये नोटिस करनी है कि म को आप देखेंगे कि एक अलग प्रेशर लगता है जो कि ज्यादा ताकत वाला नहीं होता, बट प के लिए जब आप बजाते हो तो थोड़ा सा आपको ताकत और प्रेशर बढ़ाना पड़ता है नॉर्मली। तो वो चीजें पहले आपको नोटिस करनी है, ध्यान देना है कि म और प को किस तरह से आपका जो प्रेशर है वो अलग हो जाता है, ताकि ये समझना बहुत जरूरी है कि म से प जब जाएंगे तो वो प्रेशर भी आपका चेंज होगा, ठीक है? तो पहले वन नोट होल्डिंग से आप अच्छे से म को कितना प्रेशर लगता है और प को कितना प्रेशर लगता है ये ध्यान देके उसको बजाएंगे, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो है ऐसे, इससे ये होगा कि म से प आपका थोड़ा सा आराम से बजना चालू हो जाएगा। मतलब म का प्रेशर और प का प्रेशर आपका माइंड समझ में आएगा कि म से थोड़ा सा मुझे अभी प जाते समय प्रेशर थोड़ा बढ़ाना है। पहले पहले स्टार्टिंग में मे भी आपका प ठीक से नहीं बजेगा, बट आप जितना कोशिश करोगे म प जितना देर प्रैक्टिस करोगे उतना वो धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है? तो बिगिनिंग लेवल पे ऐसी भी कोई मिस्टेक होती है जहाँ पे बिगिनर्स एकदम ऊपर फिंगर्स रखते हैं ऐसे, तो वो एकदम म प म प, तो इतना ऊपर रहने के कारण जो डिस्टेंस इतना कवर करना पड़ता है उसमें बहुत टाइम जाता है, ठीक है? तो आपको एकदम ऐसे स्लाइडली ऊपर रखना है फिंगर, इतना ऊपर नहीं ना ही चिपका के रखना है, थोड़ा सा ऐसे ऊपर, मेरा इतना भी नहीं है और ना ही चिपका के रखा है मैंने, इतना ऊपर रखा है। सो दैट कि जैसे म प बजाने में जाऊंगा तो वो मैं जल्दी उसको पकड़ सकूं। इतना ऊपर रखूंगा तो जल्दबाजी के चक्कर में जोर से मैं रखूंगा, फ्लूट हिलेगी और फिर प जो है आपका ठीक से नहीं बजेगा। तो हमेशा याद रखना कि फिंगर्स आपको ज्यादा ऊपर नहीं रखने हैं फ्लूट्स के या फिर होल्स के ऊपर, आपको बरोबर इतने एक नॉर्मल पोजीशन में या फिर स्लाइडली ऊपर रख देना है, सो दैट कि आप आराम से होल्स को कवर कर सको, ठीक है? तो ये जो मिस्टेक होती है अगर आपके साथ हो रही है तो आप थोड़ा सा मिरर में देखिए कि आप कितना फिंगर्स ऊपर उठाते हो, क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें आपको मिरर में दिख जाएगी। अगर ज़्यादा ऊपर रख रहे हो तो इतना ऊपर रखने की कोशिश करो और फिर म प म प म प म प ऐसे बजाते रहो जब तक कि आपका प म से प ठीक से नहीं बज जाता तब तक। उसके बाद में फिर जब म प अच्छा बजे तो फिर सारे ग म प एक फ्लो में, म के लिए रुकना नहीं है, म जब बजाओगे तब ब्रीद लेने के लिए रुकना नहीं है, सारे ग म प एक ही फ्लो में आपको उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है? और उसके बाद में जब ये बजाओगे तो ये ध्यान में रखना कि जब सारे ग म उठाने जाओगे ना तो आपके फिंगर्स ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं रे के ऊपर नहीं रखना है, ग ओपन करोगे तभी नहीं रखना है, जब आप म ओपन करने जाओगे स्लाइडली तब उसको प्लेस करना है। आप देखोगे
तो मैं जब म बजाने के लिए जाता हूँ तो मेरा यहाँ पे प का जो 3 होल्स है नीचे वाला, वो ऑलरेडी मैंने थोड़ा बहुत कवर कर लिया होता है ऐसे। देखा, तो वो मुझे और आसानी से म से प शिफ्ट करने में थोड़ा सा आसान कर देता है। तो जब आप म को बजाने जाओगे तो उसी टाइम नीचे वाले 3 होल्स को आप कवर कर दीजिए, सो दैट कि आप म से प आराम से शिफ्ट हो सके। ठीक है, तो ये 2 चीजें याद रखिए कि पहले तो दो नहीं 3 चीजें, पहले तो म प की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। दूसरी चीज़, अगर आपके फिंगर्स ज़्यादा दूर है तो उनको थोड़ा सा स्लाइडली ऊपर रखने की कोशिश करिए, ज़्यादा दूर नहीं रखना है, क्योंकि वो ज़्यादा ऐसे बजाने में जो डिस्टेंस आपको लगेगा, टाइम लगेगा, वो बहुत ज़्यादा होगा और घाई गड़बड़ी में वो फ्लूट हिल जाएगा आपका ज़ोर से रखने में। तो अगर स्लाइडली रखोगे तो वो दिक्कत नहीं देगा, आप आराम से उसको कवर कर पाओगे। ठीक है, फ्लूट भी आपका हिलेगा नहीं। और तीसरी चीज, सारे ग म म तक जब आओगे, म बजाने को के लिए आओगे, तो 3 जो फिंगर्स होंगे आपके ऑलरेडी सेट हुए होंगे प के लिए, प बजाने के लिए, तो वो ऑलरेडी आप रेडी रहोगे प बजाना है। तो फिर म से फिर आपको सिर्फ 3 जो फिंगर से ऊपर उनको कवर करना है, और फो जो प्रेशर मैंने बोला था प के लिए अलग लगता है, वही प्रेशर प के लिए यूज करना है और प बजाना है। तो फिर सारे ग म प ऐसे आराम से, ऐसे स्मूथनेस के साथ आपका म से प शिफ्ट होके आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये 3 चीजें याद रखिएगा, ये 2 चीजें या फिर 3 चीजें आपको हेल्प करेंगी म से प स्मूथनेस के साथ बजाने में और म से प शिफ्ट होने में। ठीक है, सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको हेल्प करे। और अगर आपको, मैंने रिसेंटली ऑनलाइन क्लासेस जो है फ्लूट क्लासेस चालू किए हैं, अगर आपको वो ज्वाइन करने हैं तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर जो है मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, जिसके ऊपर आप मुझे मैसेज करिए। इस ऑनलाइन क्लास की जो फीस है वो बहुत ही कम है, 500 रुपीज़ मंथ है, जहाँ पे आपको 4 लेक्चर मिलते हैं महीने के। ठीक है, तो और डिटेल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज कर दीजिएगा, उसके ऊपर मैं ऑनलाइन फ्लूट क्लास के कैसे चलेगा, कितना टाइम होगा, वो सब चीज़ें डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो अभी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।